भोपाल से सांसद और भाजपा की भगवा नेत्री के शुद्ध वाले बयान पर गुस्साए कांग्रेसियों ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पुतला दहन कर जोरदार नारेबाजी की। गौरतलब है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विगत दिनों अपने सीहोर प्रवास पर एक बयान दिया था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि जब ठाकुर को ठाकुर और ब्राह्मण को ब्राह्मण कहते हैं तो वे बुरा नहीं मानते, लेकिन जब शुद्ध को शुद्ध कहते हैं तो वे बुरा मान जाते हैं। ये उनकी नासमझी है। साध्वी के इस कथन के बाद से ही विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा नाराजगी जाहिर की थी। इसी क्रम में आज जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जोरदार नारेबाजी के बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पुतला दहन किया। जो कि एक संवैधानिक पद पे है, उन्होंने अनुसूचित जाति दलित समाज के बारे में गलत टिप्पणी की है, जबकि हमारे बाबा साहब जिनने देश का संविधान लिखा है वो भी एक दलित समाज से आते हैं। ये उनके जो कथन है उसका हम घोर निंदा करते हैं। वो जो कहे गए शब्द वापस ले, नहीं तो पूरे प्रदेश और देश में उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।